अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के अब सिलाई सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोग को हम बनाना बताएंगे बेडशीट डिज़ाइन। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होने वाली है और बहुत ईजी तरीके से हम आपको बताने और समझाने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी बेडशीट डिज़ाइन, इसी की हम कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों आप लोग को बता दें, अगर आप लोग भी डिज़ाइन को बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सके हमारी हर नई वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को हम डिजाइन को बनाना बताते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग, हमने कटे हुए पीसेस ले लिए हैं डिजाइन बनाने के लिए और हम दो कलर यूज करने वाले हैं डिजाइन में। तो हमने यहाँ पे लिया है ग्रेप्स कलर और हमने लिया है यहाँ पे पर्पल कलर। तो दो कलर से हम डिज़ाइन को बनाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। और जो कपड़ा हमने लिया है वो क्रेप का लिया है। और चलिए हम आप लोग को इसका मेजरमेंट दिखा दे रहे हैं कितने पीसेस है और कितने इंच के लिए। यहाँ पे हमने लिया है 4 इंच का पीस, ये 4 कोन का हमारा है और इसे हमने लिया है 4 पीस। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 4 इंच का पीस, उसके बाद यहाँ पे हमारा 4 कोन का ये भी है और इसे भी हमने लिया है 4 पीस। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 6.5 इंच का पीस और ये भी हमारा 4 कोन में है और इसे हमने लिया 1 पीस। और यहाँ पे भी जो हमारा पर्पल का है ये भी हमारा 6.5 इंच का ही है और इसे भी हमने लिया स्क्वायर में और इसे भी हमने लिया है 1 पीस। तो इतने पीसेस से सिर्फ हम एक ही डिज़ाइन को बनाएंगे, बाकी का आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ पे छोटे वाले जो पीसेस हैं इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीचों बीच से इस तरह से कॉर्नर से मिलाएंगे और यहाँ से हम इसे कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारा कट हो गया, फिर दूसरा वाला पीस भी लेंगे, इसी तरह से कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाएंगे और बीचों बीच से हम इस तरह से इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पीसेस जो है कट चुकी हैं और जो हमारी बड़ी वाली पीसेस है हमारे ऐसे ही रहेंगी। तो चलिए इसे हम स्टिच करना बताते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों कलर के पीसेस को लेंगे एक एक करके और दोनों को आपस में हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे आपको अच्छे से सिलाई करना है, बराबर पीसेस को कॉर्नर से मिला करके अच्छे से इसे सिलाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे 2 पीस जुड़ चुकी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों पीस इस तरह से जुड़ेगी, हमारी जुड़ के आएगी। तो ऐसे हमने जोड़ लिया है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसे जोड़ा, बाकी का जो हमारा पीस है सभी को हम इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे। दोनों कलर को लेंगे और बारी बारी से हम सभी को अच्छे से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पीसेस को ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे अब हम आगे आपको बताएंगे। तो ये हमारी जो डिज़ाइन है वो स्टार के ही तरह दिखेगी, थोड़ा अलग है तो आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ज्वाइंट वाली पीसेस को लेंगे और पहली बार हम इस तरह से देखिए बर्फी के आकार में जो पर्पल हमारा है उसे हम रखेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को हम एक बात बता दें कि जैसे कि बहुत से लोगों को बताने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है आता है, तो आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं पीसेस को कैसे हम रख रहे हैं और किस तरह से ज्वाइंट कर रहे हैं, तो आप लोग देख के भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पीस ज्वाइंट किया, फिर हम दूसरी बार क्या करेंगे और हम पीसेस को लेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे रखेंगे। ऐसे देख पा रहे होंगे पर्पल हमारा ऊपर के साइड में आएगा और जो अंगूरी कलर है हमारा नीचे की साइड में आएगा। इस तरह से हम पीसेस को जिस तरह पहली बार रखेंगे और दूसरा वाला भी उसी तरह से हम 2 पीस ले करके और आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे भी ज्वाइन कर लिया है, तो अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से देखिए ऐसे हम रखेंगे पीस को और हम ज्वाइंट को मिलाएंगे बीचों बीच का और बराबर से सिलाई करना है आपको। जिस तरह से आप पहली बार को मतलब सिलाई करेंगे, पहली बार जितना दाब लेंगे आप उतना हर बार आपको सिलाई करने हैं। और यहाँ पे हमने बीचों बीच में ज्वाइंट को मिलाते हुए अच्छे से हमने इसे ज्वाइंट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये पीस हमारा जो है जुड़ चुका है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ अब हमें एक पीस और जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जो पहले हमने पर्पल का ज्वाइंट किया था और इस बार हम क्या करेंगे, जो अंगूरी का पीस हमारे देखिए यहाँ पे पर्पल हमने पहले मिलाया था, इस बार हम अंगूरी का पीस मिलाएंगे और इस तरह से इसे पकड़ करके ज्वाइंट करेंगे। इसे भी हमें बर्फी की आकार में ज्वाइंट करना है। यहाँ पे देखिए खुलने के बाद इस तरह से आएगा तभी हमारी स्टार जो है बनेगी। और इस बार हम क्या करेंगे देखिए, अगली बार हमने बस कलर चेंज करना है आपको। अगली बार हमने पर्पल का ऊपर किया था, इस बार हम नीचे करेंगे। तो इस तरह से ऐसे भी पकड़ेंगे और हम ज्वाइंट करेंगे। तो जिस तरह से हमने पहली बार ज्वाइंट किया था पीस को, बस कलर चेंज करके उसी तरह से जोड़ना है, बस कलर चेंज कर देना है आपको। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे बीचों बीच को ज्वाइंट मिलाते हुए, इसे भी हम सिलाई कर देंगे। तो बहुत ही सुंदर बनेगी आपकी डिज़ाइन। आप लोग कोई भी कलर अपने पसंद का ले सकते हैं और ज्वाइंट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग को दिखा दे, देखिए यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे दोनों पीस को तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो इस तरह से हमारा मिलेगा पर्पल आएगा। बस देखिए आपका कलर चेंज है यहाँ पे,
इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा कलर जो है चेंज है, पर्पल की जगह हमने अंगूरी रख लिया, अंगूरी की जगह पर्पल रख लिया है। अब यहाँ पे हम पर्पल का पीस लेंगे और पर्पल को पर्पल में मिला करके इस तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे। तो खड़े वाले पीस में हम ज्वाइंट वाला पीस मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए खुलने के बाद इस तरह से दिखेगा आपका, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी अंगूरी कलर का पीस है उसे लेंगे और अंगूरी कलर को इसमें मिला देंगे हम। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे भी ज्वाइंट कर देंगे। बस कलर आपको चेंज करते जाना है, बस आपकी जो ज्वाइंट है बिल्कुल वैसे ही रहेगी, बस कलर चेंज करते जाना है। फिर इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पर्पल हमारा जो है पर्पल में मिल जाएगा, अंगूरी अंगूरी में मिल जाएगा, जो ग्रेप्स कलर हमारा है इस तरह से हम मिला देंगे इसमें। और आमने सामने बस आना चाहिए ज्वाइंट, आमने सामने, और जो टुकड़े हमारे हैं वो दोनों भी आमने सामने आना चाहिए, बराबर में नहीं लेना है, बस आमने सामने रखना है। और यहाँ पे बीचों बीच का हम ज्वाइंट मिला करके इससे भी हम सिलाई कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप जब बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलर कैसे रखना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले करके दे करके भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसे अच्छे से जोड़ दिया है, एक पीस हमारी तैयार हो गई है एक पीस। तो इसी तरह से हमें आगे का भी पीस ज्वाइंट करना है, फिर आपको हम बताएंगे कैसे आपको करना है, कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे हम आपको अपने पीसेस को अच्छे से दिखा दे रहे हैं कि आप लोग देख पाएँ। यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी स्क्रीन शॉट ले करके दे करके भी बना सकते हैं एक पीस का, और बाकी का हम बताएंगे। तो चलिए पहले हम प्रेस करेंगे इसे, प्रेस करने के बाद फिर आप लोग को हम बताएंगे कि किस तरह से आप बेडशीट को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी बेडशीट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया और हमारी सिलाई जो है बैठ चुकी है, यहाँ पे देख पा रहेंगे आप लोग। तो इसी तरह से जैसे हमने कि पीस तैयार किया है, उसी तरह से आपको बाकी का पीस तैयार कर लेना है, जितना कि आप बेडशीट में लगाना चाहते हैं, सिंगल डबल जैसा बनाना चाहते हैं उस तरह से हम पीस को तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि कैसे हम जोड़ेंगे हम आपको बताते हैं। बस पीस पीस ही जोड़ना है, लेकिन पीस को आपको क्या करना है, चेंज करते करते जाना है। जैसे कि हम ये पीस लेंगे, उसके बाद हम दूसरा पीस लेंगे, तो हम यहाँ पे पीस को घुमाएंगे, यानी कि जहाँ पे हमारी जो डिज़ाइन वाली है आप देख पा रहे हो, जो स्टार हमारी है वहाँ स्टार में स्टार जुड़ेगा तो स्टार बन के आएगा। और जो हमारे चारकोन के टुकड़े हैं यानी बड़े वाले पीस, यहाँ पे कलर चेंज होकर के चारों ए भी आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि हम पीस को घुमा घुमा के जोड़ेंगे, मिला मिला के, यानी कि जो हमारे स्टार है स्टार में मिलाएंगे और जो टुकड़े हमारे हैं ये भी आमने सामने आएंगे, चारों आमने सामने आकर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टार बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे जुड़ जाएंगे आकर के, यहाँ पे जो कलर हमारा है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पीस को बस घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, मिला मिला करके हमें ज्वाइन करने हैं। तो इसी तरह से आपको ज्वाइन करने के, जब आप जोड़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे जब स्टार मिल जाएगी आपस में तो किस तरह से आपके पीसेस हो रही है। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी बेडशीट डिज़ाइन, इसी तरह से आपका बिल्कुल भी मिलके आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा आपका बेडशीट, बहुत ही खूबसूरत है डिज़ाइन आप लोग बना पाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से आपको जोड़ना है, तो आप लोग जोड़ पाएंगे बहुत ही आसानी से। आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे आपको जोड़ना है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी डिज़ाइन को बनवाना या मंगवाना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।